नया चैप्टर पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखेंगे हम लोग कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है क्या। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एसबीटी के एग्जाम में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट वन इज आइसोमेट्रिक व्यू एंड सेकेंड वन इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू, आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स माप, व्यू मतलब चित्र। जब हम लोग सेम माप का चित्र बनाएंगे तो इसके लिए हम लोग मेन स्केल या ट्रू स्केल का यूज करेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब माप, व्यू और प्रोजेक्शन मीन्स छोटा। अगर जब हम लोग सेम माप से छोटा चित्र बनाएंगे तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करेंगे उसमें। अब देखते हैं कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या है। तो आइसोमेट्रिक स्केल के लिए सबसे पहले हम एक बेस लाइन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेस लाइन लेते हैं और बेस लाइन लेने के बाद दो एंगल लेते हैं, एक 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री वाला जो एंगल होगा वो हम लोग का मेन स्केल होगा। इसमें हम लोग मेन स्केल रख करके मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद उसका जो हम लोग सीधा प्रोजेक्शन गिराएंगे 30 डिग्री वाले पे, तो जो 30 डिग्री वाले पे प्रोजेक्शन गिरेगा वही हम लोग का आइसोमेट्रिक स्केल होगा। तब इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं। एक बेस लाइन लेते हैं जिसको हम लोग जेड मान लेते हैं, 30 डिग्री वाले को वाई और 45 डिग्री वाले को एक्स मानते हैं। इसका प्रोजेक्शन हम लोग गिराते हैं यहाँ पे। एक्स हमारा मेन स्केल है और वाई हमारा आइसोमेट्रिक स्केल है। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ओएपी, ट्रायंगल ओएपी में कॉस 30 डिग्री, आधार बटा कर्ण, जेड बटा वाई। तो यहाँ पे हम लोग जेड निकाल लेते हैं, वाई इंटू कॉस 30 डिग्री, तो जेड बराबर वाई इंटू रूट 3/2, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ओएक्यू, ओएक्यू में देखते हैं कॉस 45 डिग्री, आधार बटा कर्ण, जेड बाई एक्स, यहाँ से हम लोग मान लिए। तो इक्वेशन 1 और 2 से जब हम लोग चले तो वाई इंटू रूट 3/2 बराबर एक्स इंटू 1/√2 आया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाई वाई एक्स हमारा क्या आया, 2/√3 × √2। तो दो को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, एक √2 कट गया। तो यहाँ पर आ गया आइसोमेट्रिक स्केल बटा मेन स्केल बराबर √2/√3। इसको हम लोग पॉइंट में 0.816, जब हम लोग इसको उलट देंगे तो मेन स्केल बटा आइसोमेट्रिक स्केल हो जाएगा √3/2। और जो जब हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब पारेंगे या व्यू को पारेंगे तो द एंगल बिटवीन टू आइसोमेट्रिक एक्सिस इज 120 डिग्री। ये 30 डिग्री साइड बीच का जो ये व्यू है हमारा आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो हम लोग का 120 डिग्री होगा। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन ले रहे हैं, द व्यू ऑफ ए ब्लॉक आर गिवेन, एक ब्लॉक का व्यू 3 व्यू। थ्री व्यू ऑफ ए देन दैट देन द ड्रा इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। देन द ड्रा इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। देखते ये हम लोग का फ्रंट व्यू होगा, ये हम लोग का टॉप व्यू और ये हम लोग का साइड व्यू। तो जब हम लोग इस साइड से देखेंगे तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड व्यू, हमेशा फ्रंट के लेफ्ट में बनेगा। जब इस साइड से देखेंगे तो फ्रंट के अगर जब राइट में बनेगा तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होगा। तब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग एक बेस लाइन लिए एच पेंसिल से, ये 30 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल। इधर इस साइड हम लोग का फ्रंट व्यू माने हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, और इस साइड हम लोग साइड व्यू माने हैं। तो फ्रंट व्यू में सबसे पहले हम लोग लेंथ को ले लिए 50 mm, लेंथ को हम लोग 50 mm ले लिए। अब ब्रेथ को हम लोग 40 mm ले लिए और हाइट हम लोग 30 mm ले लिए। तो इस साइड हम लोग लेंथ ले लिए, इस साइड ब्रेथ ले लिए, इस पे जो हाइट लिए हैं वो 30 mm, फिर ऊपर से हम लोग इसके अनुसार से नेमिंग कर लिए हैं। और ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ, 3 व्यू ऑफ ए ब्लॉक गिवन देन इट्स आइसोमेट्रिक व्यू इज डन।